नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट सेल जो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में क्या करना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये दोनों के दोनों शेयर जो है काफ़ी बेहतरीन, और कब बाय करना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इसमें गिरावट जब आया था मार्च अप्रैल में, तो ये शेयर जो है लगभग 1750 रुपये तक ये आया था, तो 1800 साढ़े 1700 रुपये, तो उस समय आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए थी। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 52 वीक लो है 1783 रुपीज, तो जब ये 1800 के आसपास था उस समय आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, या 2000 रुपीज़ के प्राइस पर, 2500 रुपीज़ के प्राइस पर, तो काफ़ी अच्छा प्राइस आपको मिलता। अभी आप वेट कीजिए क्योंकि अभी मार्केट जो अपने ऑल टाइम हाई पे है, अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो जैसे प्राइस में करेक्शन आएगा तो आपको फिर घबराहट होगी कि हमने हायर प्राइस पर क्यों इन्वेस्ट किया, लोअर प्राइस में इन्वेस्ट करता ज़्यादा शेयर मिलते, कम अमाउंट हमारा लगता। तो इसलिए अभी आपको वेट करना चाहिए, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो यहाँ प्रॉफिट हम बुक करते हैं। हम आपको कई सारे शेयर में दिखाए होंगे कि जो हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है, 50 डे का मूविंग एवरेज है, इसके जब काफ़ी ऊपर चल जाता है और जो ट्रेंड है अप ट्रेंड को जैसे ब्रेक करता है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जहाँ तक बात है तो उसमें SIP फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर नीचे आता है 50 डे के मूविंग एवरेज से नीचे, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दीजिए और बने रहिए स्टॉक में, और वीकली चार्ट पर फॉलो करते रहिए कि स्टॉक अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसको हम चूज करते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ये सब फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सेक्टर के लीडर स्टॉक है। ऐसे में जब आप लोअर प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं तो अभी आपको लॉन्ग टर्म में जो 5 ईयर्स है 10 ईयर्स है इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, और इन सब में आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें बाय एंड फॉरगेट वाले ये स्टॉक है, मतलब बाय कर लीजिए, डीमैट अकाउंट में पड़े रहने दीजिए स्टॉक को, और वेट कीजिए 5 ईयर्स का 10 ईयर्स का अच्छा खासा रिटर्न आपको, मतलब ये सारे स्टॉक्स आपको देंगे। बस कंपनी के बिजनेस पर आपको ध्यान रखना है, कंपनी का बिजनेस कभी ख़राब ना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कभी भी किसी भी कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस जो है वह चलता रहना चाहिए, बिजनेस जो अच्छा रेवेन्यू हो जनरेट करे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे, तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है, फिर जो शेयर है वो अपने आप डिमांड में रहेगा और आप अच्छा खासा आपको रिटर्न प्राप्त होगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, अगर हम 2000 ईस्वी के आसपास से देखें अभी तक में, तो बजाज फाइनेंस जो है 89,000% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, ऐसे बेहतरीन स्टॉक जब आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न दे रहे, तो फिर जैसे तैसे स्टॉक में क्यों उलझना। तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। उसी तरह बजाज फिनसर्व भी है, देखते हैं बजाज फिनसर्व भी ये काफ़ी नीचे आया था 4000 के प्राइस पर, और वहाँ से अभी देख सकते हैं ये लगभग 10,000 के करीब पहुंचने वाला, 9,250 रुपीज़ हो चुका है, और जस्ट ये कुछ ही दिनों में 10,000 के प्राइस को टच कर लेगा। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया इस स्टॉक में। अगर 2008 से अभी तक में देखें तो देख सकते हैं लगभग 8,000% का रिटर्न दिया है मात्र ये 10 से 12 सालों में, मतलब 12 ईयर्स में 8,000% का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। तो ऐसे ही रिटर्न आपको प्राप्त करने अगर किसी स्टॉक में, तो आपको लंबे अवधि तक उसमें बने रहना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में कौन सबसे अच्छा है। दोस्तों, दोनों स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फिनसर्व की बात करें, दोनों स्टॉक बेहतरीन है। और वहीं बात करें तो बजाज फिनसर्व जो है पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, मतलब बजाज फाइनेंस कोई अर्निंग करता है तो उसका जो कुछ भाग है वो बजाज फिनसर्व को भी मिलेगा। तो बजाज फिनसर्व जो है पेरेंट कंपनी है और बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस जो अर्निंग कर रहा है, फाइनेंस कंपनी है, तो उसका अर्निंग का कुछ हिस्सा हमेशा बजाज फिनसर्व को जाएगा। अगर चार्ट की बात करें तो बजाज फाइनेंस ज़्यादा बेटर रिटर्न दिया है बजाज फिनसर्व से। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बजाज फाइनेंस, ब्लू लाइन बजाज फाइनेंस का है, बजाज फिनसर्व रेड लाइन है। अगर बात करें 3 मंथ के रिटर्न का, तो 3 मंथ में देख सकते हैं दोनों लगभग पैरेलल चल रहा है, थोड़ा सा बजाज फाइनेंस नीचे है। 6 मंथ में बात करें तो बजाज फाइनेंस ऊपर है, ईयर टिल डेट में बात करें बजाज फाइनेंस उसमें भी ऊपर है रिटर्न देने के मामले में। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी बजाज फाइनेंस काफ़ी ऊपर है। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में भी देख सकते हैं बजाज फाइनेंस ऊपर है। तो लगभग दोनों अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन बजाज फाइनेंस थोड़ा बेटर रिजल्ट दिया है। मैक्सिमम ईयर बात करें तो बजाज फाइनेंस का चार्ट जो है आपको काफ़ी पहले से दिखेगा, बजाज फाइनेंस का चार्ट थोड़ा सा बाद से दिखता है, क्योंकि
पे बजाज फाइनेंस पहले से लिस्टेड था, बजाज फिनसर्व बाद में लिस्ट हुआ, तो इसलिए आपको यहाँ पर बजाज फाइनेंस का चार्ट काफ़ी ऊपर दिख रहा है, बजाज फिनसर्व थोड़ा नीचे दिख रहा है। लेकिन बजाज फिनसर्व भी रिटर्न देने मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग आप देखते हैं, यहाँ पर 2008 से बात करें तो बजाज फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देता हुआ दिख रहा है, लेकिन बजाज फिनसर्व भी पीछे नहीं है। तो दोनों स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर देखिएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है बजाज फिनसर्व 2008 से मात्र यहाँ पर दिखा रहा है 1393% का, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि 8000% का रिटर्न दिया है बजाज फिनसर्व। थोड़ा सा ये लिस्टिंग के समय प्राइस हाई था, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट आया था, गिरावट मगर बाय करते तो बजाज फिनसर्व भी कम नहीं है, लेकिन बजाज फाइनेंस को ज़्यादा बेटर मतलब रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे बजाज फाइनेंस ही बेटर रिजल्ट देगा, बेटर रिटर्न देगा इन्वेस्टर। बजाज फिनसर्व उसकी पैरेंट कंपनी है और बजाज फिनसर्व के अंदर कई सारी कंपनियां काम करती है, तो दोनों स्टॉक इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको जब इन्वेस्ट करना हो तो दोनों में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आगे कोई भी स्टॉक बेहतरीन रिजल्ट मतलब बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर को दे सकता है। दोस्तों ये है बजाज फिनसर्व का ग्रुप स्ट्रक्चर, देखते हैं बजाज फिनसर्व लिस्टेड जो कंपनी है हमारा, ये पेरेंट कंपनी है किसका, बजाज फाइनेंस का। यहाँ पर देखते हैं इतना परसेंट इसमें होल्डिंग है, बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस 74% स्टेक है इसमें बजाज फिनसर्व का, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस का इसमें भी 74% स्टेक है। वहीं तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस जो पेरेंट कंपनी है किसका, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बजाज फाइनेंस फिनसर्व जो है पेरेंट कंपनी इन चारों कंपनियों का, जिसमें से बजाज फाइनेंस लिस्टेड है, ये भी लिस्टेड बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस है, और ये दो कंपनियां अभी जो है बजाज फिनसर्व के जो अंडर है, ये लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस, ये दोनों लिस्टिंग होना बाकी है। तो दोस्तों ये दोनों लिस्टिंग होता है तो यहाँ से बजाज फिनसर्व को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राप्त होगा इनकम, तो बजाज फिनसर्व भी आके अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो दोस्तों इस तरह से बात करें तो बजाज फिनसर्व जो है पेरेंट कंपनी है, तो सबका बाप तो बजाज फिनसर्व ही है, बजाज फाइनेंस का, बजाज लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस तीनों का जो फादर है वो है बजाज फिनसर्व मतलब पेरेंट कंपनी। और चलिए बजाज फिनसर्व .in पे जाकर के आप इन सारी कंपनियों को साथ साथ और भी कई सारी कंपनियां जो बजाज फिनसर्व के अंदर काम करती है मतलब जो बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए बजाज फिनसर्व .in के वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं बजाज फिनसर्व .in, ये बजाज फिनसर्व की वेबसाइट है। यहाँ पर आकर के आप जैसे ये कंपनीज में क्लिक करेंगे यहाँ कंपनीज पर, तो आप यहाँ पर देखते हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस सिक्योरिटी, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियां हैं जो बजाज फिनसर्व के अंडर है। आप इस पर क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं सारी कंपनियों के अंडर, उसमें आपको लिखा रहा सब में लिखा मिलेगा कि ये बजाज फिनसर्व की मतलब सब्सिडी कंपनी है, ये काम करती है। तो देखते हैं इतनी सारी कंपनियां बजाज फिनसर्व के अंडर कार्य करती है, जिसमें बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं जो कि मतलब काफ़ी मतलब सेक्टर की लीडर कंपनियां हैं जो फाइनेंस सेक्टर में है। तो इसलिए ये जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है बजाज फिनसर्व को, तो इसीलिए बजाज फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा आपको तेजी देखने मिला। जैसे साथ ही साथ जैसे जैसे बजाज फाइनेंस आगे बढ़ता है बजाज फिनसर्व बढ़ता है, क्योंकि बजाज फिनसर्व जो है पेरेंट कंपनी है तो उसे भी इससे इनकम प्राप्त होता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है कि दोनों कंपनी जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप दोनों में चाहे तो 50-50% इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे चल करके अच्छा खासा आप रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे दोनों स्टॉक जो है आपको बाय ऑन डिप्स करना है, जब गिरावट में मिल रहा है उस समय इन्वेस्ट करना है, अभी थोड़ा सा अवॉइड करना है। अभी स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के आसपास है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, और स्टॉक ऊपर जाता है जाने दीजिए, हम तो वेट करेंगे। अगर नीचे के प्राइस पर मिलता है तो नीचे के प्राइस पर इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो कभी भी करेक्शन आता है मार्केट में तो हाई प्राइस पर रहेगा तो उस समय हाई प्राइस पर ही इन्वेस्ट करने पसंद करेंगे। अगर आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं मार्केट कैप जो है बजाज फाइनेंस का वो है 310,000 करोड़ मार्केट कैप है, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी, एक ब्लू चिप कंपनी है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखते हैं 0.19% का है, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू कर देखिएगा तो 9.66 है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, फेस वैल्यू 2 का है,
है और सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर के मतलब मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। फिर नीचे चलते हैं तो नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगा, आप इसका बैलेंस शीट देख सकते हैं, कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से ले सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्शन पर जा करके कंपनी कब डिविडेंड दी, कब बोनस दिया, सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो डिविडेंड क्लिक करते हैं तो हर साल देखते हैं डिविडेंड कंपनी पे करती है 500%, 300%, 200%। उसके बाद बोनस पे क्लिक करते हैं तो कंपनी ने कब बोनस दिया वो देखते हैं। 2016 में 1:1 का कंपनी ने बोनस दिया था बजाज फाइनेंस ने। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट, तो फेस वैल्यू 10:2 में स्प्लिट हुआ था 2016 में ही। तो उसके बाद यहाँ पर आप फाइनेंशियल पर जाकर के कंपनी के फाइनेंशियल को देख सकते हैं। जो कंपनी का फाइनेंशियल है यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो रेवेन्यू देख सकते हैं, कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट की है तो रेवेन्यू लगभग कॉन्स्टेंट है, थोड़ा सा बीच में इंक्रीज हुआ था, अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो आप जान सकते हैं अभी जो हमारा पैंडमिक आया था उसके कारण जो फाइनेंस कंपनी काफी प्रभावित हुई थी। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखते हैं पहले काफी ज्यादा था 2019 दिसंबर में, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, और यहाँ से मार्च से पैंडमिक के कारण काफी कम हुआ है। वहीं अगर एनुअल बेसिस पे कर दे तो एनुअली पर देख सकते हैं एनुअल बेसिस पे लगातार प्रॉफिट जम हुआ है। रेवेन्यू देखिएगा एनुअल बेसिस पे लगातार जम हुआ, इसीलिए शेयर का प्राइस भी इसी रेशियो में मतलब इसी प्रोपोर्शन में लगातार इंक्रीज हुआ है। तो जैसे रेवेन्यू इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो शेयर का प्राइस भी डायरेक्टली इंक्रीज होगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। 2017 से 16 में ज़्यादा था, लेकिन 16 में बोनस देने के कारण जो स्टॉक स्प्लिट हुआ बोनस हुआ तो नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी बढ़ गया, जिसका मतलब देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम हो गया, लेकिन यहाँ से अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी में काफ़ी वोलेटाइल है, कभी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है, कभी डिक्रीज हुआ है, तो इस तरह से लगभग लेकिन ठीक ठाक रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो लगातार डिक्रीज हुआ, 2019 में थोड़ा सा बढ़ा था लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम हुआ है। तो अभी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है हमारा 4.02, तो मतलब डेट जो है कंपनी के ऊपर इक्विटी के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 times है, लेकिन फाइनेंस कंपनी भी आपको डेट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से ओवरऑल कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, सेक्टर की लीडर कंपनी है। उसी तरह से आप बजाज फाइनेंस के बारे में देख लिए, आप उसी तरह से बजाज फिनसर्व के बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन पर क्लिक कर कंपनी का वैल्यूएशन देखिए 1,47,000 crore का है, मतलब बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व से मार्केट कैप में 2 times बड़ी है, लेकिन बजाज फिनसर्व पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, ये भी याद रखना है आपको। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.05% डिविडेंड यील्ड है, अर्निंग पर शेयर 20 का है, और यहाँ पर जो भी आपको देखना हो प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए 41.67 का है। कॉर्पोरेट टैक्स पर चलते हैं, कंपनी कब कब बोनस दिया, कब कब डिविडेंड दिया, सारी चीज़ें आप देखते हैं। डिविडेंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 20 में 19 में 18 17 16 हर साल कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, बोनस कभी नहीं दी कंपनी, स्टॉक स्प्लिट कभी नहीं हुआ। तो जो बोनस है स्टॉक स्प्लिट ये बजाज फिनसर्व का कभी नहीं हुआ है। अगर प्रमोटर्स के स्टेक की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए प्रमोटर्स का जो स्टेक है 60.8% है, और जो कि लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, कोई भी शेयर लगभग प्लेज नहीं है 0.01%, ये निग्लिजिबल है, मतलब कोई भी शेयर लगभग प्लेज नहीं है प्रमोटर्स का। उसके बाद फाइनेंशियल पर क्लिक करते हैं तो फाइनेंशियल कंपनी का कैसा है ये बहुत सारी चीज़ें हमें कंपनी के बारे में बताता है। तो क्वार्टरली देखिएगा 14,000 crore का सेल्स था जो कि बढ़कर के 15,000 crore हो गया, 2,000 crore का प्रॉफिट था जो कि थोड़ा सा डिक्रीज होकर के 1,600 अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो थोड़ा सा पैंडमिक के कारण प्रभावित हुआ फाइनेंस कंपनी का, लेकिन एनुअल बेसिस पे देखिएगा 9,000 crore से यहाँ 54,000 crore सेल जा चुका है जो कि काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो इसी मतलब इसी प्रोपोर्शन में शेयर प्राइस भी कंपनी का रिफ्लेक्ट किया है, मतलब शेयर प्राइस भी इसी रफ्तार से इंक्रीज हुआ है जिस रफ्तार से देख सकते हैं सेल्स इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट 2,700 crore से 5,900 crore पहुँच चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो अभी भी जो प्रॉफिट है कंपनी का पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो पैंडमिक कारण इतना ज़्यादा प्रॉफिट में गिरावट, सेल्स में गिरावट के बावजूद कंपनी का जो ओवरऑल सारी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, आप चाहें तो दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस कुछ ज़्यादा बेटर ही इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहा है, तो आप चाहें तो बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस था बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के ऊपर कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है, आपको किस में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।